तो सरकार बचाने वाले 102 विधायकों को नहीं भूला जा सकता, ये बयान दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 102 विधायकों का अभिभावक हूँ, उनको छोड़कर नहीं जा सकता। आलाकमान का प्रस्ताव पास नहीं करा पाया, इसका खेद भी उन्होंने जताया है। तो मुख्यमंत्री का फैसला अब आलाकमान करेगा। सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत का बयान आया है कि 102 विधायक जिन्होंने सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है, उनको मैं नहीं भूल सकता और उनको छोड़कर नहीं जा सकता। तो आलाकमान का प्रस्ताव पास नहीं करा पाया, इसका खेद है, ऐसा कहा सीएम गहलोत ने। और मुख्यमंत्री का फैसला अब आलाकमान करेगा, तो ये बड़ा बयान आया है सीएम गहलोत की तरफ से। तो राहुल जी क्या कुछ कहना है उनके इस बयान पर, कि क्या वो यहाँ पर बैकफुट पर आ रहे हैं, या जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ रविवार को, पिछले रविवार को जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा है कि मैं 102 विधायकों का अभिभावक हूँ, बात ठीक है, क्योंकि पहले भी जिस तरह से 2 साल पहले सरकार गिराने की कोशिश की गई थी और कांग्रेस की सरकार विधायकों 102 विधायकों को 34 दिन तक कभी जयपुर कभी जैसलमेर तक का सफर तय करना पड़ा था, तो उनकी जो मन की बात है उन्होंने कही है, वो अभिभावक है। उन्होंने भी उस समय कई बार ये कहा भी है कि 102 विधायकों की वजह से हमारी सरकार बची है और जो आज मुख्यमंत्री हूँ वो इन विधायकों की वजह से हूँ, क्योंकि अगर ये छोड़ के चले जाते तो मुख्यमंत्री पद नहीं रहता और कांग्रेस की सरकार भी जा सकती थी। वो अपना उनका नजरिया है, वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आलाकमान के सामने जो एक लाइन का प्रस्ताव की बात थी, वो नहीं पास हो पाया, इसका उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी भी और उन्होंने उसको मीडिया के सामने भी उस दिन कहा था कि मैं प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया, इसका मुझे खेद भी है और मैंने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी। जी राहुल जी, क्या लगता है कि सिर्फ माफी मांग लेने भर से डैमेज कंट्रोल हो सकता है जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसका? देखिए, जिस तरह से अभी घटनाक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से खेद रखते हैं, तो वो अपनी उन्होंने बात कही आलाकमान के सामने कि जो घटनाक्रम उत्पन्न हो चुका था, विधायक की जो भावना थी कि वो जो 19 विधायक छोड़ के चले गए थे सरकार गिराने की कोशिश में लगे हुए थे, उनको उनमें से किसी को वो किसी मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे, वो क्योंकि बोला इनमें से किसी को भी बना दो, लेकिन जो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, उनकी मन की विधायकों की बात थी। चूंकि आलाकमान एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाना नहीं चाह रहा था, आलाकमान का प्रस्ताव जो है वो पास नहीं भी हो पाया और मुख्यमंत्री ने इस चीज को लेकर अपना खेद भी जताया। अब जो स्थितियां बन रही हैं फिलहाल, तो राजस्थान कांग्रेस में जो सीएम का जो फैसला है, मुझे लगता नहीं कि अभी 2-4 दिन में कुछ हो जाएगा, वेणुगोपाल लौट के आएंगे या तो वैसे उसके बाद, चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी 19 तारीख को स्थितियां बिल्कुल साफ सचेत हबू और जो मुकाबला चल रहा है इन दोनों के बीच, मल्लिकार्जुन के बीच मुकाबला होगा, उसमें मल्लिकार्जुन की जीत साफ दिख रही है, तो अध्यक्ष का चुनाव होने, वेणुगोपाल के लौटने, थोड़े हालात सामान्य होने तक ही कुछ राजस्थान के बारे में कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगा। जी राहुल जी, अभी फिलहाल जो है जोशी दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया था, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल, तो अभी सिर्फ जोशी पहुंचे हैं वहां पर दिल्ली, तो इन तीनों को क्या बारी बारी से बुलाया जाएगा? देखिए, कल जो महेश जोशी गए थे उनको कोई बुलाया नहीं गया था, वो अपनी तरफ से खुद की अपनी सफाई पेश करने गए थे, उन्होंने अपनी बात वहां रखी है, क्योंकि नोटिस का जो टाइम है ये दिया गया था कि 10 दिन के अंदर इन तीनों नेताओं को जवाब देना है, अगर जवाब नहीं देते तो कांग्रेस आलाकमान उसी हिसाब से कार्रवाई करेगा, तो अगर जवाब दिया जाता है तो जवाब का अध्ययन किया जाएगा कि जवाब में क्या कहा गया है, तो सारी चीजें देखी जाएगी, उसके बाद भी कोई अंतिम फैसला होगा। राहुल जी, एक मार्मिक अपील कल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की थी बीकानेर दौरे के दौरान कि एक मौका और दे, जबकि हम देखते हैं कि लगातार आक्रामक दिखाई देते हैं सीएम अशोक गहलोत, लेकिन अब क्या बैकफुट पर ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं आलाकमान से, जो सीधी यहाँ पर उन्होंने एक तरह से विरोध किया उनके जो उम्मीद थी उसका? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ था उसके लिए दूसरे से माफी मांग भी चुके हैं, उन्होंने पब्लिकली इस बात को स्वीकार भी है। जहाँ तक सरकार की रिपीट करने की बात है, कल हमने देखा था बीकानेर के अंदर उन्होंने बताया कि 2003 के अंदर जो उनकी सरकार गई थी वो कर्मचारियों की वजह से गई थी, क्योंकि उस दौरान कर्मचारियों ने 64 दिन की हड़ताल की थी और कर्मचारी काफी नाराज थे और अपनी मांगों को लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी सख्त रवैया उस दिनों अपनाया था कर्मचारियों को लेके, कह रहा था कि कर्मचारी
है, जनता के काम उस पर उसको प्राथमिकता दी जाने की बात थी, लेकिन वो उसका हल नहीं हो पाया। वो कर्मचारियों की उनकी जो सरकार वो गिरा दी, उन्होंने बात अपनी कही। जहाँ तक 2013 में जब इलेक्शन तब भी उनका ये कहना है कि तर्क दिया उन्होंने अपना कि मोदी की लहर चली गई तो पूरे देश भर के अंदर जो भी सरकार थी वो चलेगी। वो अपने हिसाब से कांग्रेस आलामान को अपनी भावना बता रहे हैं, अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि जो भी फैसला होने वाला है, जो भी होगा, वो सब परिस्थितियाँ देख के होगा, सभी फीडबैक जाएगा, एक एक विधायकों से बात की जाएगी और सब सोच विचार के सभी चीजें कांग्रेस आलाकमान तय करेगा।